हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ जेनेटिक्स का टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट इज़ ए कंडीशन व्हेन नीदर एलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे जो एलील है वो कम्प्लीटली क्या नहीं होता, डोमिनेंट नहीं होता किसी दूसरे के ऊपर। द कंडीशन इज रिकग्नाइज्ड बाई द हेट्रोजाइगोट एक्सप्रेशन ऑन इंटरमीडिएट फिनोटाइप रिलेटिव टू द पेरेंटल फिनोटाइप। इसका जो एग्जाम्पल है वो है फोरोक्लोक प्लांट, मीराबिलस जिलापा और एंटीराइनम। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो हम बोलेंगे इसके एग्जांपल्स हम क्या बताएंगे, फोरोक्लोक प्लांट, मीराबिलस जलापा और एंटीराइनम इसके क्या हैं एग्जांपल्स हैं। जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं CUET के, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हमारी IGU हो गई, जैसे GJU हो गई और MDU, KU, सभी के अंदर क्या पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो उसके अंदर हम क्या बताएंगे, फोरोक्लोक प्लांट, मीराबिलिस जिलापा और एंटीराइनम। अब हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन से। जो पेरेंट जनरेशन है वहाँ पे जो रेड फ्लावर है उसके हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, अलील्स हैं, वो हैं कैपिटल आर, और वाइट फ्लावर को हमने लिया है स्मॉल आर। जब हमने गैमेट्स बनाए तो हमारे पास बने, मेनली हम जब गैमेट्स बनाते हैं, जैसे हमने इनको सेपरेट किया तो हमारे पास गैमेट्स आए जैसे R और R, और यहाँ से हम किसको लेंगे, एक सिंगल R को ले लेंगे। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक सिंगल R को ले लेंगे और हमारे पास क्या आएगा, R और R आएगा, एक कैपिटल R और एक स्मॉल R। तो यहाँ पे क्या देखा कि हमने लिए तो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर थे, लेकिन हमारे पास F1 जनरेशन कैसे आई, पिंक फ्लावर आए। वहाँ पे हमारे जो फ्लावर थे उनका कलर कैसा था, पिंक था। जो F1 हाइब्रिड प्लांट्स हैं उनको हमने क्या कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, उनकी सेल्फिंग कराई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास हाइब्रिड जनरेशन आई पिंक कलर वाली, उसको हमने क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दी, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से हमने क्या किया, पुनेट स्केयर बनाया, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से हमें मिला कैपिटल आर, यहाँ से मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ से मिला स्मॉल आर। तो जो हमारी F2 जनरेशन थी सेल्फ क्रॉस की, वहाँ से हमें जीनोटिपिक रेशो मिला 1:2:1, और यहाँ से फिनोटिपिक रेशो मिला 1:2:1। जो इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस हैं उसके हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हैं उसके हमारे एग्जांपल्स हैं और भी हैं, वो हैं फीमेलियल हाइपोक्लोस्ट्रेमिया, टेसाइक डिजीज़ और सिकल सेल एनीमिया। ये किसके एग्जांपल हैं, हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मीराबिलिस जिलापा, सो आउटकम वो पिंक कलर। हमें यहाँ पे कैसे फ्लावर दिखे थे, पिंक कलर के फ्लावर देखे हमने जब रेड और वाइट को क्रॉस कराया। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एलील्स दैट लैक डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप एंड आर बोथ ऑब्जर्व फिनोटिपिकली टू सेम डिग्री आर कॉल्ड कोडोमिनेंट। जो एलील्स हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप को क्या कर देते हैं, लैक मतलब उनके पास नहीं होता, एंड आर बोथ ऑब्जर्व फिनोटिपिकली टू सेम डिग्री आर कॉल्ड कोडोमिनेंट। और ये जो दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, फिनोटिपिकली ऑब्जर्व होते हैं सेम डिग्री पे, उनको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंट बोलते हैं। वो एलील्स जो लैक कर देते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों रिलेशनशिप को, और जब उनके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो फिनोटिपिकली हैं वो क्या होते हैं, सेम डिग्री पे ही हमें ऑब्जर्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंट बोलते हैं। सो द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज ऑब्जर्वेबल इन द हेट्रोजाइगस। तो जो फिनोटिपिक इफेक्ट है
हर एक अलील का वो किसके अंदर ऑब्जर्वेबल होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। इसका जो एग्जांपल है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे क्वेश्चन आया था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का, मल्टीपल एलिलिज्म का, और शायद एक दो ऑप्शंस और थे। तो वहाँ पे जो राइट आंसर था वो दे रखा था कोडोमिनेंस। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो डायरेक्ट याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। जो कैरेक्टर्स हैं वे कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट से, उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर अक्कर इन पेयर, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। जो एक मेंबर है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और एक मेंबर क्या होता है, रिसेसिव होता है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज ए ऑफ इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट द F2 जनरेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है टोलनेस इन पी प्लांट। यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक है वो दूसरे के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। वहाँ पे सिर्फ उसी का ही क्या दिखाई देगा, इफेक्ट दिखाई देगा। दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर का अफेक्ट या फिर एक्सप्रेशन क्या होता है देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा टोलनेस इन पी प्लांट। जो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस था वहाँ पे हमने जो एग्जांपल्स पढ़े वो हमने क्या क्या पढ़े थे, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए हमने पढ़े मिराबिलिस जिलापा, एंटीराइनम, टेसाइक डिजीज, सिकल सेल एनीमिया और फैमिलियल हाइपोक्लोस्टेमिया। और कोडोमिनेंस में हमने एग्जांपल पढ़ा एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, और इसके अंदर डोमिनेंस के अंदर हमने पढ़ा टोलनेस इन पी प्लांट। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियोस आपके लिए ग्रेजुएशन पर्पस में और मास्टर्स के लिए, दोनों के लिए यूज़फुल हैं, और साथ साथ आपके जो एंट्रेंस एग्जाम हैं उनके लिए भी यूज़फुल हैं। थैंक यू।